नमस्कार प्रणाम आदाब गोड़दागतानी भोजपुरिया जहान हम रवि किशन शुक्ल जौनपुर तहसील केराकत स्वागत करतानी सुर संग्राम के सबसे बड़ संग्राम में जगर नाम बाटे सुर संग्राम तृतीय जोरदार ताली के साथ स्वागत करी भोजपुरिया संगीत के अद्भुत सुंदर आहा का लगत आडू गली गली में जिनकर चर्चा बाटे हो सब लोग पगला गए वाड़न अद्भुत हस्ती मालिनी अवस्थी और भोजपुरिया दिल से आहा जय हो कल्पना जी दिन ब दिन जैसे सुर संग्राम चढ़ाता वैसे खूबसूरती चढ़ाता एको जोरदार ताली भोजपुरियन का अखियन के सपना कल्पना जय हो अगर जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ तीनों सेना के सरदार लोगन के जय हो आप लोगन के बाबू यूपी के शान सरदार मोहन राठौड़ बिहार की आन आलोक कुमार और झारखंड की जान सरदार ममता राउत वाह 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 और तीनों राज्य के सुर के योद्धा लोगन के स्वागत बा वाह 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 जय हो स्वागत कैल जाओ परिवार ऑडियंस के जे तीनों सेना के हौसला बढ़ा रहल बा एगो जोरदार ताली आज बात चुनौती अपन पसंदीदा गायक के गाने की हो भैया ये लोग अपने टेरिटरी में खेलियन जेकरा के लोग पसंद करत अड़न बचपन से लइकापन से उ जनाब का गाना गा सकन कोई भी गायक हो सके काहे कि हर गायक के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत तो होला मालिनी जी बनब हमना कल्पना जी बनब शारदा जी बनब भरत शर्मा जी बनब सब लोगन के जीवन में एक और अद्भुत नाम बाटे जिनकरा के हम मंच पे लिया उनका नाम ला लेब काहे कि वो भी सब लोगन के एगो प्रेरणा स्रोत बारन आज हमनी लोगन के संगे आयल हन ला बता देते ही नाम एगो खास मेहमान भोजपुरी संगीत के एगो ऐसन पर्सनालिटी जिनकर जीवन माटी और माटी के संगीत से समर्पित बा पूरा जीवन दे देलन सरल भाव स्वभाव एकदम सशक्त सुर और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी गायकन खातिर एगो अनूठी मिसाल वाड़न जी हाँ और उनका नाम बाटे गोपाल राय जी एगो जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ अरे दुनिया के रंग मंच पर दुनिया के रंग मंच पर सब के दुखिया दुख के जेदता के हो चाचा भाई बन के प्यार मोहब्बत बांटता हित मित के पहिरी मुखोटा केहू कर दान का झूठ कही तो ननक जाए झूठ कही तो ननक जाए अरे पाप बढ़ना भैया बा एकल युग में सबसे बड़का झूठ का गीत नर के जाई झूठ का गीत नर के जाई पाप मरना भैया बा एकल युग में सबसे बड़का एकल युग में सबसे बड़का राती चाप रुपया बा एकल युग में सबसे बड़का राती चाप रुपया बा एकल युग में सबसे बड़का रुपये चाची
स्वागत बाटे आपका, स्वागत भैया, जय महादेव। आपके ऐसुर संग्राम तताल का मौचल है पूरा, खाली भारत में ना बल्कि विदेश में भी, और जो ना सुर संग्राम में रउआस दिलदार होके, मालिनी जी अस फनकार होके, कल्पना जी अस कलाकार होके, ऐसा ऐसा योद्धा होके, कलाकार बढ़िया बढ़िया, वो सुर संग्राम के कहे के कहवाया। जय हो, जय हो। ये देखा इनका पहले जो शब्द का हम इस्तेमाल के ले रहे की के आवत अड़न आज मंच पे साक्षात प्रकट हो गई। जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो हमार भोजपुरिया जहान जे ऐसन लाल के पाके, और सब लोगन की कितना कुछ दे देला और कितना दे डाला, एगो नाम बन गई आपके नाम के साथ शुरू हो लगाई की आपके विधा आपके नाम के साथ ब्रांडेड हो गई। जय हो आप, जय हो। और आज बड़ा हमनी लोगन का भाग्य बाट है कि आज न्यायमंडल के बिचल का जो कुर्सी देखा ताड़ा वो आपके आज भेंट हुई, तो आप अपन कुर्सी पे भी राजे बाबा। जय हो, धन्यवाद। न्यायमंडल हम आपसे पूछे के चाहब कि आपके गायकी के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत के रहलन, तो मालिनी जी से शुरू करब हम। मालिनी जी, रवि जी, हर कलाकार के लिए कहीं ना कहीं पे कोई चीज कहीं ना कहीं जमीन तैयार होती है। किसी एक व्यक्ति को मैं कह ही नहीं सकती कि कोई एक कलाकार की प्रेरणा रही हो। सबसे पहले ईमानदारी की बात है कि ताई जी लोग, हमारी चाचियाँ ताई जी लोग घर में गाती थीं, और एक से एक बढ़ करके ब्याह के गीत, शादी का गीत, जनेऊ के गीत, जब भी कोई गौनाई हुई तो मैंने खुद घर में देखा कि मेरी उनकी बेटियाँ, मेरी बड़ी बहन, हम वो सब नहीं बैठती थी, लेकिन मैं 6-7 साल की थी, ताई जी लोग के साथ बैठती थी। उसके बाद स्वनाम धन्य, जिनकर नाम से बनारस आज धन्य हो गए, हमार आदर्श, हमार गुरु गिरिजा देवी जी बन, उनकरा से हम ढेर विधा सीख ली। और ये बात बहुत आज बतावे में हमके आनंद मिलेला कि ठुमरी दादरा के साथे साथ वो हमके मुबारकबादी सीख लेनी, हमके सेहरा सीख लौनी, हमके बनना शहाना हमके सीख लौनी कि देखा बाकी सब कलाकार निकरा के ना गई, सब जाकर ठुमरी दादरा गए, लेकिन त्योहार जौन विधा बाटे तो जौन जौन चीज हमके, हम सब अपन देख कर ऑब्जर्व करके गुरु लोगन से सीखनी है, तू ओकरा के सीखा और गा। धन्यवाद मालिनी जी, का इतिहास यही बहाने निकल गए थोड़ा। अब हम न्यायमंडल से इजाजत चाहब का हम ई अद्भुत युद्ध की शुरुआत करी, सुर के युद्ध की। जय हो, जय हो। का ममता काहे तहार और आलोक का मुँह इतना झुरा गई बा जब से अंशु आल बाड़ा उत्तर प्रदेश। नहीं भैया, नहीं झुराया है, सिर्फ हमको ये दिखलाना है कि मेरे पिटारे में भी एक फन है, जो कि यहाँ जब आएंगी या आएगा तो जितने यूपी और बिहार हैं एकदम डगमगा जाएगा। अच्छा, तो आज झारखंड से एक योद्धा के लिए आओ ताड़ू। हाँ भैया, वो कब लाएंगे वो अभी नहीं बताएंगे, वो थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, खेला विपरीत होता। आलोक बाबू कहा झुरा गई लो, कहा भैया पूछने की भाई, जब लगी ना हमरा कि अब बिहार से आवे के चाही, अभी हमरा ऐसा कोनो टेंशन नहीं के, क्या यूपी वाला के टेंशन हो गई, मोहन के देखा कहे हंसी छूट, टेंशन हो गई, इसलिए वो अपना जल्दीबाजी में अपना ले आइल बना, लेकिन जब हमरा लगी ना लावे के तो भाई, लेकिन जब हमरा लगी तब्बे हम लाए, अभी हमरा कोनो टेंशन नहीं के। आज जौन भी प्रतिभागी के परफॉर्मेंस न्यायमंडल के लगी सबसे ज्यादा बेहतरीन, योद्धा बन जी हैं परफॉर्मर ऑफ द डे, और योद्धा के मिली एगो विशेष उपहार, साथ ही साथ ऊ हो जई हन सेफ एलिमिनेशन से। तो पसंदीदा गायक के गाना के चुनौती के सामना करे खातिर कौन सेना के योद्धा सबसे पहले उतारी अपने मैदान में, बता हो। सबसे पहले भैया हम प्रणाम करता निरुआ के, और बड़े भैया श्री गोपाल राय जी आयल बानी हमनी के मंच पे, बहुत अच्छा लगा था, हमारे फेवरेट बानी,
पूरे भोजपुरी विधा में इनके गाना गा के हम सीखी ला भोजपुरी बोले भोजपुरी समझे भोजपुरी के मतलब जो एक को मतलब शब्द में भैया के मतलब जो सीख मिलेला हमके बहुत अच्छा लागेला कहीं भी जाइला तो सर उठा के अपना भोजपुरी के बारे में कुछ कहिला। आज हम भेजे जा तनी निर्गुण सम्राट जी के हमनी के मनले बानी जा श्री मदन राय जी उनकर गाना गावल उनकर फेवरेट मतलब भक्त बाने हमार दीपक भाई ओबरा के कोबरा जी। सोने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई। भैया हम मदन राय जी के गायकी के बहुत बड़का फैन बानी। बचपन से ही उनकरा के हम अपन आदर्श मानी ला। उनकरा गावे के जोन तरीका बा ओकर बहुत बड़ा फैन बानी। उनकरे आवाज के हम बहुत बड़ा फैन बानी। आज हम उन्हीं के गावल गीत गावे जा रहल बानी और उनकर आशीर्वाद हमारे संगे रहे बस हम यही चाहब। सुर संग्राम भैया देखा तड़ा ई बाटे एकदम गवई लड़का आके आतंक मचाओ तड़ा पूरा देश के मंत्र मुक्त कह देना ई बाटे सुर संग्राम तृतीय और ई वाड़न योद्धा देख लेना मजा आए आलोक। पहला प्रस्तुति रहे कोबरा जी के कोबरा। देखो भाई तोहर गायकी तो शुरू से अच्छा बा और आज तू बता देला कि हम बिना खटका मुर्गी के भी हम गा सकी। दीपक आज आप बिल्कुल सीधा सीधा गा रहे थे सिर्फ आप जब आलाप लिए आलाप के बाद दीपक नजर आए। पगड़ी के इतरे सम्मान अपना बचैले रही है इतरे बहुत अच्छा गईला है और उभाव में गईला माहौल एकदम लास्ट में एकदम पूरा बन गईला मिजाज में गईला बहुत अच्छा लगल। बहुत बढ़िया न्याय मंडल के तरफ चलब ओकरा पहले हम चाहब एगो शेर ठोक द पूरे हिंदुस्तान खातिर एगो शायरी बहुत अद्भुत शायरी बोला न हर्ज है ना तू छत पे आती ना मैं दीवाना होता। ना तू छत पे आती ना मैं दीवाना होता और ना तू पत्थर मारती और ना मैं काना होता। आदाब है भैया गोपाल भैया का कहवा इनकरा गायकी खातिर। भाई दीपक जी मदन राय के आप मानीला छोटे से जैसन की बतौली आप मदन भैया के आवाज से मिलता जुलता आवाज भी आपके बाटे लाजवाब बहुत बढ़िया नौ नंबर कल्पना जी
आपने बहुत अच्छा गाया, सबने बोल ही दिया है। मेरे तरफ से 18 मालिनी जी। ई बाटक्स खालिस संगीत, सुरीला, दिव्य, सहज और यहाँ उतरे वाला। आइल जगाइल छुअल पहुंचल यहाँ आज ई गीत में पूरा महसूस करके पहले से एकदम बदले हुए तेवर में आज गौला हो। एक खाते तोरे बदे आज 20 में 20 हम दे। वाह मालिनी जी, कुल मिला के हो गई न्याय मंडल से जॉन इनक्रा के मार्किंग भेटाई 47। जिया बच्चा जिया। ओ प्रेम से शंकर भगवान की जय। पहला परफॉर्मेंस से अंदाजा लग गई होगी कि आज सब के सब रंग जमाव के मूड में बाड़न। अपन पसंदीदा गायक के गाना के साथ अभी बाकी बाटे 6 और सुर के योद्धा के एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। के हुई सेफ और के फंसी लाल के जाल में हो, कहें कि आज चुनौती के रात बा, चलल जाओ बिहार के सरदार के पास आलोक। खेला विपरीत हो गई बा, यूपी का मरलिस भैया, उत्तर प्रदेश ऐसे उल्टी, ऐसे कपारे चाहिए आप लोगन के, ये हम ना सोच ले रहे। केकरा के भेजे ताड़ा बिहार से भैया? हम ऊ योद्धा के भेज रहल बानी, काहे कि उस सुर के साधे वाली सुर साधे का मधुबनी जिला से कल्पना जी के गाना लेके आ रहल बानी सौम्या मिश्रा। कल्पना मैम असम की होकर इतनी धारदार तरीके से भोजपुरी गाने को प्रस्तुत कर रही हैं, खासकर उनके गायकी का अंदाज मुझे बहुत ही पसंद है और मैं उनके गायकी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस गाने को उनके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो उन्हीं का गाया हुआ गाना है, काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया। कोशिश करूँगी कि मैं कल्पना मैम को खुश कर सकूँ। बहुत आगे बढ़ा, बहुत आगे, बड़ी सुंदर लगा था।
जैसन सुर सुंदर ऐसे तू सुंदर। मोहन बाबू का कहवा? अच्छा गौली है और शुरू से अच्छा गावा तावत अली यही तेरे गई पूजा एकदम आगे तक पहुंच सकी लगा। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं हमें कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और अच्छे, बस सिर्फ महसूस करो, गाने को महसूस करो। जब स्टेज में हो, स्टेज के नीचे रहो तो ये सोचो कि मेरे जैसा खराब कोई नहीं है, और स्टेज के ऊपर जाओ मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है, ये सोचो। ठीक है, ऐसा कोनो बात नहीं लगे कि हम कि भाव में कमी लागल, बहुत अच्छा लागल हमरा एक स्टूडियो में गाना और खास करके एक क्लासिकल ढंग के गाना गाना, लाइव गाना बहुत ही बड़ी बात है सिंगर के लिए। लाइव गाना इतना अच्छा से बहुत बड़ी बात हमारा खातिर, कहीं हमरा से कोनो कमी ना दिखल, सुर लय ताल सब बढ़िया लगे। मालिनी जी बहुत अच्छा गाया है, सिर्फ कमी एहसास की, ममता की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, अदरवाइज नोट्स तैयारी आपकी कमाल की है। उस एहसास के लिए, क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा सा पार्शियल हूँ, और बाकी आपने गाना जिनका गाया बहुत अच्छा, उसका निर्णय वो स्वयं कर सकेंगी, मेरी ओर से आज 18। वह गायकी के जोड़ नहीं के, कहीं से कोनो कमी नहीं के, बस वे मिजाज चाहिए, मादकपन चाहिए जो कल्पना जी देले बनी, बाकी बहुत बढ़िया साथ में। इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती कि मेरा गीत है, मैं सिर्फ गाई हूँ। मैं पहले भी उनका नाम ले चुकी हूँ, मुरलीधर जी, जिनको मैं बहुत गुणी बहुत विद्वान मानती हूँ, मुरली जी को आज एक्चुअली ये गीत में समर्पित करती हूँ। ये आपका जो प्रस्तुति है, प्रोत्साहन के लिए मैं आपको फुल मार्क्स देती हूँ, 20 फिटाइल कल्पना जी से, मालिनी जी से 18, गोपाल भैया से 7, कुल मिला के हो गए 45। मुबारक हो, चुनौती के रात बहुत अच्छा आगाज कैलू जी। आ गुड़िया आगे बढ़, चलल जाओ यूपी के सरदार के पास, मोहन बाबू कौन पत्ता फेंकबा? ओ हमनी के बाने श्री विष्णु ओझा जी, गुरु तुल्य बानी श्री भरत शर्मा जी, और हमनी के आदर्श बानी जा सब लोग, और वैसने रेंज में मतलब उनकर उन्हें बहुत चर्चित गाना हिट भइल बाटे, और वो विधा के उनकर गीत लेके हमारा अंशु। बहुत अच्छा, धन्यवाद, जोरदार ताली के साथ स्वागत करी। उत्तर प्रदेश में एक नया ब्रह्मास्त्र जुड़ गए जिनका नाम बाटे जितेंद्र सिंह उर्फ अंशु के। श्री विष्णु ओझा जी हमार भोजपुरी के पसंदीदा गायक बानी, और एगो भोजपुरी के नया मुकाम देले बानी, वहाँ के आवाज एगो अलग तरह के बा। जहाँ तक हम जानत तानी त निर्गुण में वहाँ के कोनो जवाब ना बाटे, और उनकर वो गीत हम गावे जा रहा बानी जौना के सुन के बड़ बड़ लोग के रोआ खड़ा हो जाला। ये गीत हम उन्हें के समर्पित कर रहे हैं। पतझड़े आइल मदरी तू पियू कि हमरा बढ़वे नहीं कवनो रे अच्छो, जोग के मारल भोग के जारा हम आखी देखनी तो हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जर लाए
से पूरा शरीर एगो संगीत हो गई, सुर पूरा एगो शरीर हो गई, जितना शरीर का नस आत्मा हृदय वाणी पूरा समर्पित बाई लेगा आलोक इनकरा में दम बात तभी तो जिला टॉप के विनर भइल बा भैया बहुत बहुत बड़ बात बाटे तोहर आवाज में दम्बा भाई गायकी के दम्बा बहुत दम्बा भाई तोहर में इसी तरह गावत रह और सबके यूपी बिहार अपना भोजपुरिया के मान सम्मान बढ़ाते रह भाई बस हम यही कहेंगे आपके लिए आप सिर्फ जिला टॉप के विजेता नहीं आप हर दिल के विजेता बन गए हैं गोपाल भैया का लैका बा हो सबसे बढ़िया बात लागल ही भैया गाना के संगे संगे निभौली फिर में जियली में जी के गौली ई एगो बहुत बढ़िया बात रहल रुआ के गीत के सिलेक्शन खातिर वो कलाकार के रुआ फैन बनी एकरा खातिर ढेर सारा बधाई बा आर्ट्स में जब आप एकदम मीटर पे आपने जो पहला टेक लिया तीरे तीरे नदी तीरे मैंने ऐसे बैठ करके देखा और मेरा पूरा पीछे पीठ से लेकर पूरा रुआ 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 सिहर गया बहुत सुंदर इतना अच्छा गाया और निर्गुण में सबसे खासियत है कि माया मोह से एकदम विरक्त हो करके व्यक्ति उसी ब्रह्म में लीन हो करके समर्पित होकर गाए और जब जब जो समर्पित होकर गाएगा तब ऐसा ऐसा गाएगा जितेंद्र बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर और मेरी ओर से कोई कोताही नहीं दी शब्द इतना स्ट्रॉन्ग था इस गीत का विष्णु ओझा जी को मैं नमन करती हूँ मैच्योर एक्सप्रेशन के साथ गाने के लिए मैं आपको 18 दूंगी बहुत सुंदर कल्पना जी से भिटाई 18 मालिनी जी से 20 गोपाल भैया से 8 कुल मिला के हो गई 46 अच्छा इनकर बहुत सारा लड़की लोग फैन बाड़ी सोचा जिला टॉप से हो गए रहनी अब इस शो के बाद कितना हुई है? सोचा मजा ला अंशु आ गए पसंदीदा गायक के चुनौती पे उतरलन 3 गो योद्धा सबके परफॉर्मेंस जोश और जुनून से भरल रहे अभी तक नंबर के हिसाब से सेफ होके के रेस में सबसे आगे चल रहल बाड़न यूपी अभी बाकी बाड़न 4 गो और मतहोश कह दे वाले परफॉर्मेंस के बाजी पलटी के कर शुरू हो जाए गिनती उल्टी आई आओ खोलल जाओ ये हर बार ये भानुमती का पिटारा आप खोलते हैं अब की बार हमने प्रोडक्शन से कहा कि हमें दे क्योंकि हमें लगता है आप कुछ गोलमाल करते हैं हर बार इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों का सबका हमेशा निकल के आ रहा है अब हम निकालते हैं आज ए भगवान आप एकरा के देख ले बना लेकिन राहे दे पर्ची निकला ले बस इतना जान ले भैया सब लोग कि आज हंस हंस के सब लोग लोटपोट हो जाए यही जान आप लोग भी सोचिए और अभी अभी नहीं बताऊंगी जरूर जा आपका मांग जरूर पूरा हुई कल्पना जी आसाम से एगो इतिहास चलल कल्पना जी का कल्पना जी भोजपुरी संगीत का क्वीन बन गई नी भोजपुरी इंडस्ट्री का क्वीन बन गई नी आदर्श कैसे संगीत काहे चुन लो संगीत चुनने की जहाँ तक बात है वो तो मेरे पिताजी बिपिन पटवारी जी वो आसाम के लोक गायक हैं और उन्होंने चुना एक्चुअली मुझे कि मुझे भी गीत संगीत की दुनिया में आना है उनसे लोक गायन सीखा मैंने मैं और एक नाम पहले बोल चुकी हूँ बहुत बार वो है जिनकी सोच से बहुत प्रभावित रही डॉक्टर भूपेन हजारिका जी जब गंगा जी पे बात जैसे सब लोग गंगा जी को नमन करते हैं गंगा मैया उन्होंने अलग तरीके से सोचा बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों उन्होंने अलग सोचा गंगा जी से सवाल किया आसाम में ब्रह्मपुत्र उन्होंने सवाल किया ब्रह्मपुत्र से जब भारतवर्ष की बात आई उन्होंने गंगा जी से ये सवाल किया धन्यवाद कल्पना जी धन्यवाद गोपाल भैया धन्यवाद मालिनी जी आप लोग इतने अद्भुत लोग हैं सब ममता पद्मश्री शारदा दी को कौन नहीं जानता है और उनकी तरह कौन नहीं बनना चाहता है मैं भी चाहती हूँ कि उनकी तरह गाऊं और अब हमारी प्रियंका भारद्वाज उन्हीं के गीत को गाएंगे आदरणीय शारदा जी मर आदर्श जी के
भोजपुरी संगीत जगत में चाहे बहुत बड़ा कलाकार हो या छोटा कलाकार, सभी शारदा जी के ही गाना के सबसे पहले फॉलो करे छे। और भोजपुरी संगीत शारदा जी के गाना के बिना अधूरा छे। एज फेवरेट सिंगर के थीम छे जकरा में शारदा जी के गाना ही प्रस्तुत करी रह छी। और शारदा जी अगर देखी रह छे, शारदा जी के प्रणाम करे छे, हमरा आशीर्वाद दे कि मैं पनिया के जहाज गाना जे गाबी रह छी ओकरा अच्छा तरह से निभा दिए। पनिया के जहाज से बहुत बढ़िया। पद्मश्री शारदा जी के कोटि कोटि प्रणाम है जासे। शारदा जी जहाँ देखा ताड़ू तो आपके रवि किशन का प्रणाम, समस्त सुर संग्राम के मंच का प्रणाम, न्याय मंडल की ओर से आपके प्रणाम, गोड़छू के प्रणाम। आप सम्मान बड़ी हुई, जय हो। बहुत बढ़िया आलोक बाबू काका। आज कुछ ना कुछ कमी दिखल हमरा, वो पावर ना रहे आवाज में। आलोक भैया जो समझा रहे हैं उन बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लो और उन बातों का मतलब अपने रियाज में उस चीज को सुधारो, ठीक है? ये भी सही कह रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा गवलू है और यही तरह गावत रहा बढ़िया से। और आलोक भाई बताइए जो हम उसे सहमत बानी, एकाक जगह अपन ओके बाद तैयारी कर ले, ठीक हो जाए। बहुत अच्छा गवलू है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल भैया। शारदा सिन्हा जी के आप गीत गौली सुन के बड़ी अच्छा लागल। उनका सम्मान में, शारदा जी के सम्मान में उनकर गीत चुनला खातिर तहरा के हम 9 नंबर देता हूँ। जिनकर नाम में बानी माई सुरसती के नाम, ऐसी आदरणीय शारदा दीदी को प्रणाम। बहुत ईमानदारी से आज ये बात कहूँगी कि प्रियंका के गाने से अभी उस रस में इतना डूबी हुई थी कि मैं भी उबर भी नहीं पाई थी कि पहली बार आलोक को मैं बहुत प्यार करती हूँ और हम लोगों ने उसको हमेशा बहुत उसकी हौसला अफजाई करी। उसका अपना नज़रिया हो सकता है लेकिन यहाँ पर वो टोकना मुझे आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये एक ऐसा गाना है जिसको
हम जितने लोग बैठे हैं अपने अपने अंदाज में गाएं, हर बार वो गाना अलग लगेगा, नया लगेगा और बहुत 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 उम्दा गाया गीत। भले आपको शारदा दीदी का पसंद हो, वेशभूषा तो हमारी पसंद है, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया उसके लिए भी, और उसके लिए बहुत 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 वेरी नीमन लगा तड़ू नंबर आज 19। प्रियंका की जहाँ तक बात है, मैं आलोक से सहमत हूँ। आपकी अपनी आवाज़ें अपने अंदाज में गाओ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो जजमेंट होता है, एक जो निभाने की बात होती है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन के लिए मैं आपको 16 दूंगी। बहुत बढ़िया, कल्पना जी से 16, मालनी जी से 19, गोपाल भैया से 9, कुल टोटल हो गए लेकर 44। मुबारक हो, बहुत अच्छा चुनौती की रात का शुरुआत भाई। गुड़िया अपन ख्याल रखा, गरम दूध पिया हरदी डाल के, ठीक बात। जा मोहन बाबू, इतना नाम कमौले बाबू, पूरा एगो शान बन गला, युवा पीढ़ी सब लौकता, जो भी लोकगीत और खांटी लैका बाहर आवता, देहात से सब लोगन के एगो उम्मीद बन गए बाड़ा। गोपाल भैया, मोहन राठौड़ी लोग का, अरे लोग जब निकल सकलन, रवि किशन तो हमनी का है ना, के तहार आदर्श है। बड़े भैया गोपाल भैया जी के हम मननी भैया से बहुत हमके ताली भैया, जोरदार ताली। आज भैया आयल बानी, हम भैया के गोर छुके प्रणाम करत हैं, जरूर। और हम भैया के एगो गाना भी गाई बही भैया के साथे, हम चाहब कि भैया भी हमरा साथे गए, हमके अच्छा लगे। तो मोहन राठौड़ के आदर्श आज साक्षात उनकरा समक्ष आके बैठल बाड़न, उ बाड़न गोपाल भैया। अभी तक हो चुकल बा 4 गो लाजवाब परफॉर्मेंस, सेफ होके के रेस में सबसे आगे चल रहल बाड़न यूपी सेना के दीपक, त सबसे पीछे चल रहल बाड़ी झारखंड सेना की प्रियंका भारद्वाज। अभी 3 बार योद्धा के धमाल मचावे खातिर बाड़न तैयार, कैसन मची घमासान, कौन सा सेना के योद्धा आज हो जइयन सेफ यूपी, बिहार या झारखंड। आज जौन भी प्रतिभागी के परफॉर्मेंस हमरे न्यायमंडल के लगी सबसे ज्यादा अच्छा, वो योद्धा बन जाए परफॉर्मर ऑफ द डे, और योद्धा के मिली एगो विशेष उपहार। यूपी बिहार और झारखंड से कई गायक लोगन के चिट्ठी आवता, मेल आवता, फोन कॉल आवता कि भैया हमनी लोगन में ऐसा का कमी रहे, कौन सुर में कमजोरी रहे जे हमनी लोगन के काट के लोगन के सिलेक्शन भइल बा। लोग ऐसा बैठल योद्धा से मजबूत बाड़न, ही हो लोगन का एगो चैलेंज बा, और लोग चैलेंज ठोकना चैलेंज ही बाटे। ऐजा में ऐसा भी कई नाम बा जे ई मंच पर आयल रहे होके उनका के हरी बत्ती भेटायल रहे, लेकिन उनका के सेना में शामिल होके के सौभाग्य ना मिलल, उन लोग इन लोगन से भी बढ़िया रहे, उन लोगन का ऐसा दावा बा। हम सब उनकर चैलेंज पर विचार कर रहल बानी, जैसे भी निर्णय हो जाए आप लोगों के समक्ष निर्णय आ जाए। बिहार के सरदार आलोक बाबू, अब आपके बारी बा। भैया जहाँ से हम बिलोंग करते हैं भैया लखीसराय, तो वहाँ दूर दूर से नाता ना रहे भैया भोजपुरी से, लेकिन हमारा शौक रहे बचपन से, क्या हम बचपन से गावत रहनी, बड़ा सपोर्ट रहे घर से कि भाई तू कलाकार बनो, तुम कल गायक बनो, तुम अच्छा गाते हो। तो मैं पिताजी के साथ फिर मैं जाने लगा भैया, कीर्तन गाते हैं मेरे पिताजी अभी भी गाते हैं, लगभग 17 या 15-16 वर्ष में ढोलक बजाया कीर्तन में पिताजी के साथ। फिर हम चंडीगढ़ चले गए रहनी संगीत सीखे, विशारद कहनी हम संगीत से, फिर कुछ ना मिलल, अब हार गए नहीं, तो फिर हम नौकरी करे चल गए नहीं, सुर संग्राम आयल भैया, तो फिर हम नौकरी की रिजाइन मार देनी हम कि अब हम नौकरी चाकरी ना हो, क्या कि हमारे जो दिल में बा हमारा गायक बने के वो हम बन ली, और ये सुर संग्राम, यदि आज सुर संग्राम ना रहे तो आज ये आलोक कुमार भी सिंगर ना रहे भैया, इतना हम दावा के साथ कहते हैं। बहुत अच्छा, तो आदर्श बा हमारा, तो बचपन से हमारे को पिताजी बहुत, उनका शुभ नाम श्री ब्रह्मदेव नीरज, ब्रह्मदेव नीरज जी आलोक के आदर्श रहन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आलोक बाबू। केकरा के भेजा ताड़ा बिहार से? हमू सैनिक के भेज डलवानी भैया, काहे कि पिछला एपिसोड में उनकरा के लाल कुर्सी भेटायल रहे, लेकिन एलिमिनेशन होते होते बच गए, वो अपने गायकी से सुर से वापस अले। हमारे गुरु तुल समान भरत शर्मा गुरु जी के गीत उनका लेके आ रहा बने, पाटलिपुत्र पटना बाबा जी सुमित कुमार फट।
हमार होके हमार ना भइल, हमार होके हमार ना भइल, राती राती रह गए अभिनुसार ना भइल। ओकरा जिनगी के का पूछ ले बारू ए बाजी, आज के राजियत हमरा खटिया के सिंगार ना भइल। जेकर पियावा गईले पर देश सखी, जेकर बलमू गईले पर देश सखी, ओकर ससुरा से निक ससुरा से निक नहीं हर बलमो कैले पर देश सखी, ओकर ससुरा से निक नहीं हर बाबर ससुरा से निक नहीं हर बाजकर बलमो कैले पर से सखी। जय हो जय हो, बहुत अद्भुत अद्भुत रहे। मोहन बाबू का कहबा, पिछला एपिसोड में तो गर्दा मचा के गेले रहना पूरा बहुत अच्छा, और ये भी गाना के तू अच्छा से निभौला है और बहुत अच्छा गेला, अच्छा लगा। ये तो लड़की के ऊपर था ना ये गाना, वो अपने ससुराल के बारे में कुछ कह रही है, उस व्यथा को बता रही है, तो उस व्यथा को आप बिल्कुल अच्छे से दर्शाए सुमित, बहुत अच्छा लगा, भाव एकदम बहुत अच्छा था, आपका परफेक्ट भाव था, थैंक यू। तू तो शुरू से अच्छा गावत आ रहा बड़ा, जिस दिन तोरा में कंट्रोलिंग गायकी में कंट्रोलिंग पावर आ जाए तू बहुत दूर तक जीगा। गोपाल भैया, पंडित जी आपसे हमी कब सबसे पहले कितनी तंदुरुस्ती खातिर दूध पी ही। ऐसे कि भरत शर्मा के गाना गावे के बाद तो जोर जरूरी बा, गायकी राउर बहुत बढ़िया रहल, रवा के हम 8 नंबर। जहाँ तक गायकी की बात है, गायन की बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मार्क्स से मेरे तरफ से 17,
आज आपकी आवाज में एक पावर थी, गंभीरता थी, क्या गा रहे हैं इसका एक एहसास था। बाकी जिनका गाना चुना है उनके तो प्रणाम में बाटे हमार, और उनका गाना चुने खातिर आज इतना मन जोग से गावे खातिर हमरी ओर से आज 18। बहुत बढ़िया, गोपाल भैया से 8, कल्पना जी से 17, मालनी जी से 18, कुल टोटल हो गए इनकार 43। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छा बाबू। जा बेटा बैठ। मोहन बाबू तो वादा कैले रहलन कि गोपाल भैया के साथ कुछ खेला हुई, पूरा हिंदुस्तान का भोजपुरिया समाज और फॉरेन में बैंकॉक मस्कत जहाँ जावता सब लोगन के प्रणाम। गोपाल भैया अहन बाबू और गोपाल भैया मोहन बाबू के संगे आप लोगन के आनंद दीहन और झुमा दीहन भोजपुरिया माटी की ओर ले चलिहन, अपने माई की ओर, अपनी बोली की ओर, अपनी भोजपुरी भाषा की ओर। मोहन बाबू आए जेके हम अपन आदर्श मानीला उनकरा अहिला के खुशी में यह मंच पे उनकर सम्मान करके हम ये गीत गा के उनके बुलाई और उनका खुशी में हम सब लोगों से चाहब की जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिया। बड़े भैया गोपाल भैया खातिर ये गीत बा। आर्य देसी घी के कई जमाना, आर्य देसी घी के गोइल जमाना, आर्य डालडा मार करा भोग लगावता। यही भाव में हमनी के गांव में गवाला गर्मी के महीना में कैसे कैसे अरे आहो कारमी के रमी के दिनावा टपटा पछुके लापा सिनावा अहो रमी के दिनावा टपटा पछुके लापा सिनावा अहो रमी के दिनावा टपटा पछुके लापा सिनावा अहो रमी के दिनावा अहो
आज योद्धा दिल्ली के इजाड़ा में गोपाल भैया, मोहन बाबू, आलोक बाबू, ममता और कुल सुर संग्राम का मंच म्यूजिशियन भाई एकदम गर्मी ला देन। जय हो आपके गोपाल भैया, जय हो। आज योद्धा और उनकर पसंदीदा गायक के गीत से रोशन हो रहा बाटे मंच। अभी तक 5 गो योद्धा दिखौलन अपन दम सेफ होके के रेस में यूपी सेना के। दीपक चल रहा बाड़न सबसे आगे, अभी बाकी बाड़न 2 गो और योद्धा के। उनकर पसंदीदा गायक के गाना के साथ ऐतिहासिक परफॉर्मेंस, कौन सेना के कौन योद्धा आज हो जाइए सेफ। अभी 5 गो योद्धा के प्रस्तुति हो चुकल बाटे। नंबर के स्थिति के अनुसार यूपी के सेना के दीपक चल रहा बाड़न सबसे आगे और बिहार सेना के सुमित चल रहा बाड़न सबसे पीछे। अब बुलावल जाओ अगला योद्धा के, आई चलल जाओ झारखंड की ओर। झारखंड से केकरा के भेजू? छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मेरी झारखंडी को यलिया शालिनी दुबे। हमार फेवरेट सिंगर मालिनी अवस्थी बाड़ी, उनके गावे का तरीका हमरा बहुत निक लागे ले। जो स्टेज पे घूम घूम के गावे ली, परफॉर्मेंस दे के गावे ली, हमरा के बहुत पसंद आवे ले। हमरा के उनकर सुप्रसिद्ध गाना छुटका बलमुआ हमरा बड़ा निक लागे मिलल बा, और हम कोशिश करब कि गाना अच्छा से निभाई और उनकर दिल जीती। अरे बिरहा गाना सहज है ज्ञानी, अरे कड़िया जोड़ना काम। बिरहा गाना सहज है ज्ञानी, कड़िया जोड़ना काम। अरे जैसे भांग खाना सहज है ज्ञानी, लेकिन लहर बचा बलमुआ मोरा बड़ा निक लागे। हाँ, छटका बलमुआ मोरा बड़ा निक लागे, असल तो पथरिया में जाते रे। छटका बलमुआ मोरा बड़ा निक लागे, असल तो पथरिया में जाते रे। अरे ऐसा निर्मोहिया से, हाँ ऐसा निर्मोहिया से नहीं आला बलबा, पहले भी देशवा बही माने रे।
बाटे सुर संग्राम तृतीय का अद्भुत मंच। जय। बहुत अच्छा गाइस शालिनी, ऐसे ही सबका दिल जीतो। और मैं चाहती हूँ कि तुम ही झारखंड की तरफ से नेतृत्व करते हुए विजेता बनो। वाह, आज सरदार स्वयं मंच पे आके विजेता के रूप में इनकरा के देखा था नी। बहुत जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। वाह, जा बेटा मोहन बाबू। इसे जनाई लेकिन एकदम एकदम मिजाज में ये अलग को प्रकट को अलग रूप देखे के मिला ला सालनी के, बहुत अच्छा लगा ला। शुरू से तू अच्छा गावा तारल बारू और मालिनी जी के गावल गीत इतना अच्छा से निभैलू, बहुत बड़ बात बा। इनकर गीत गाला बहुत अपने आप में को हस्ती बा, अच्छा से निभैलू। तो हम चाहें भैया एक लाइन दीदी आपके को गाद मिले लेंगे, समझ एक लाइन बढ़िया मालिनी जी। अरे छुटका बोलो मोर बोला निकला गए हो, छुटका बोलो मोर बोला निकला गए हसन तब भरिया में चादरे, छुटका बोलो मोर बोला निकला गए हसन तब भरिया में चादरे। अरे सुन ले मोहिया से, अरे सुन ले मोहिया से लहिया लबा लबा छाइले पे गसवा पई महान रे, छुटका पलम मोर घोड़ा निकला गए हसता बबरिया में जाते। अरे घुस कल घुस कल तू अरे आप आई लन, जौन गायकी रहे बिरहा की हमके नहीं मालूम रहा कि शालिनी ये इस गीत को प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि ना तो ममता ने बताया कि इनका फेवरेट सिंगर कौन है और ना शालिनी ने यहाँ पर कहा और अचानक प्रकट हो गई। ये सुर संग्राम वन में ही इसको हमने मैंने गाया था और ये जो बिरहा की शैली है, क्योंकि बिरहा स्त्रियाँ भी गाती हैं लेकिन ये मर्दाना शैली है बिरहा की, पुरुष गाते हैं जाहिर तौर पर उनका अंदाज एक बड़ा खुला अंदाज है, लहक कर गाने का अंदाज है। इतनी छोटी उम्र में तुमने जो सुन रखा है वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर उतारी, बहुत सारी चीजें। इस बात के लिए दाद देना चाहूंगी क्योंकि वो तेवर पूरा पूरा बरकरार था लेकिन बहुत बढ़िया छान के गौला, लेकिन सुर के संहार के भैया
सुर से कई जगह गया बच्चा, बल्कि दोनों अंतरों में बिल्कुल यदि सुनोगी बेटा तब पता चलेगा। और वो इतना एक सेकंड की देरी भी नहीं थी, पूरा पूरा काफ़ी दूर तक वहाँ पर गया। और आपके सरदार ने भी बताया आपको कि बहुत आगे जाना है, उसकी वजह से नंबर आज थोड़े से कटेंगे, लेकिन बाकी कमाल कमाल, वाकई लड़की कमाल है। नंबर आज के लिए मेरी ओर से 17। शालिनी के बारे में मैं क्या कहूँ, आपने गीत को, एक तो शब्द कठिन है, उसको याद करके गाना, पूरे पूरे शब्द कठिन है मुझे लगता है, और आपने याद करके गाया और आपने बहुत अच्छा से उसको अपने अंदाज में गाया, जैसे आप खड़ी रही, आप घूमी भी नहीं, बहुत परफॉर्मेंस आप दिखाने नहीं गई, फिर भी आपने वो मायार को बांधा। मेरे तरफ से तो 20। वाह कल्पना जी से 20, बहुत बढ़िया। गोपाल भैया का कब? रवि भैया सबसे पहले तो हम सुर संग्राम के मंच के सलाम करते हैं, कहा है कि जो ना मंच पे ऐसे तो सुर संग्राम शुरू से बड़ी अच्छा रहल बा, बाकी अब की के कुछ स्पेशल बा, स्पेशल ऐसे बा कि जवना सुर संग्राम के मंच पे शारदा सिन्हा जी के गावल जात होके, भरत शर्मा के गावल जात होके, विष्णु ओझा तमाम ऐसा माली दीदी के गीत के गावल जात होके, वो अपने आप में वो अद्भुत भैया अद्भुत अद्भुत मंच हो गई बा। सलाम करतनी और माली दीदी का हा महोत्सव में गीत के गौदल में वो महोत्सव कराए लगे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े महोत्सव, भीड़ के चलते ढेर भीड़ हो गई, 1.5 लाख भीड़ होला, तो मैं दीदी गई रही आपो के चले गए। आई बाबा पक्का आई, गढ़ा हुआ भी जाता, गोपाल भैया का आदेश गढ़ा महोत्सव में हम पहुँचे जी, धन्यवाद। और बाकी बुचिया गौली है शालिनी मालनी दीदी के छोट बेटी, हम ये वाह तारा रोआ रोआ में कलाबा, कौन अंग से कहीं से ही ना जनाइल है, कौनो कमी होखे पूरा एकदम एक पूर्ण कलाकार के प्रस्तुति हमरा देखे के मिलल है, जैसे हमारा हक 10 नंबर अधिकार शिक्षा देवे के बाद 10 नंबर। वाह 20 कल्पना जी से, 17 मालनी जी से और 10 गोपाल भैया से, कुल इनका टोटल हो गल बा 47 अद्भुत गुड़िया। अब आखिरी योद्धा, आखिरी परफॉर्मेंस भैया, बहुत मजा आई हो, और आखिरी योद्धा वाड़न के माटी के लाल वीरेंद्र भारती। आज चल जाओ यूपी के कोच मोहन बाबू के पास, मोहन बाबू आखिरी योद्धा उत्तर प्रदेश से आवता केकरा के बीच में भैया। मोहन मोहन एक एक मिनट रवि जी, ये बहुत देर से हम लोग मतलब न तो अपने दर्शकों को भी अब हम लोग ज़्यादा नहीं रोक सकते, ये एक पर्ची निकली है, हम लोग कई बार बता चुके हैं, अब मैं पढ़ दे रही हूँ उसमें क्या लिखा है, पढ़ा जाए जल्दी पढ़। मालिनी जी के गाने पर रवि किशन जी महिला बनकर डांस करें। अरे हर महादेव, इनकार तो कर नहीं सकते क्योंकि बुलेट राजा आ गई है, और सुमेर यादव के चित्र में आपको खूब लोगों ने देख लिया है, सब कुछ देख लिया, जरा वही अंदाज फिर से हो जाए। हरे राम आ माली जी प्रणाम करब आपके, गोपाल भैया कल्पना जी, न्याय मंडल का एगो आदेश आयल बा, हमेशा पिटारा से कुछ निकल, मालनी जी का ये है कि वो किरदार हमार बहुत पॉपुलर हो गल, पूरा देश देखे जाता हूँ किरदार के, जरूर महिला का रूप हम धारण करब, लेकिन ओकरा खातिर हमके महिला बने काहे कि अभी पुरुष है, अर्धनारेश्वर का तो तत्व होला, हर पुरुष में एगो स्त्री का तत्व भी, केहूँ में ज़्यादा कण केहूँ में कम कण, हमरे में थोड़ा ढेर बाटे, तो हम स्त्री बने खातिर हमरा के थोड़ा समय दा, हम आप लोगन के निराश ना करब बाबू, ये बहुत प्यार करीला, ये आप लोगन खातिर हम स्त्री बन के आई और अपन एगो अलग रूप दिखाई, देखिए ना, लेकिन समय चाहिए समय चाहिए। अब जोरदार ताली के साथ स्वागत करी आजमगढ़ यूपी के माटी के लाल वीरेंद्र भारती खाटी लैका बा। हम आदरणीय मनोज तिवारी जी के बहुत बड़ फैन बनी, मनोज तिवारी जी के जब हम गायकी देखली या सुनली तो हमरे अंदर एगो जुनून सवार हो गई, वो भैया के पगड़ी बांधल, वो भैया के मंच पे खूब कूद कूद के गावल बतियावल और पब्लिक में खूब जा के नाचल गावल बड़ा पसंद आयल हमरा, तब से हम मनोज तिवारी जी के अपन गुरु समान मल्ले बनी। मनोज तिवारी जी के गीत इंटरनेशनल लिट्टी चोखा आप सबके बीच में लेके आ रहल बनी जे, गावे जा रहल बनी जे। लिट्टी बाटी के पार्टी में
बाबू हमें लिट्टी महाराज कहो बहुत बढ़िया अद्भुत मनोज बाबू गाइले रहना अपने सिनेमा में और बहुत बढ़िया है गाना बड़ा पॉपुलर हमके बहुत पसंद रहे काका बा आलोक बाबू इंटरनेशनल लिट्टी चोखा आप ना सब बार हर बार आप गा रहे थे गावत एक बार जरी तू बस इंटरनेशनल लिट्टी चोखा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा यस लिट्टी ये एंडिंग नोट होना चाहिए मतलब शुरू में बा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा आप एक भी बार नहीं कहे पूरे गाने में और अंतरा में आप हर वक्त हर बार ऑफ में ले रहे थे इहे खाई दा इहे खाई फिलर के बाद भी इहे खाई फिलर के बाद भी इहे खाई लेकिन एक बार आना चाहिए इहे खाई दा दा पर दा दा आप दोनों बार ऑफ में लिए और आप शुरू में भी आप एंडिंग लौट रहे थे तो थोड़ा सा इसको संभालिएगा बाकी तो आप अच्छा गाते बहुत बढ़िया ममता जी का कहबू ममता जी नहीं आलोक भैया के एक चीज से हम सहमत नहीं है वो एंडिंग नोट कैसे हो सकता है ये बताइए आप पहले वो एंडिंग नोट कैसे है एंडिंग नोट कहने का मतलब इन समझ ऊपर हां इंटरनेशनल लिट्टी चोखा हां जे खैलस ना पहलस धोखा
आप पहले तो एक मिनट रुकन भाई, पहले तो वेरिएशन नोट कहा जा सकता है। एक मिनट बोले तो एंडिंग नोट नहीं है, एंडिंग नोट होता तो वो वहां से ढल जाता। एंडिंग वही तो मैं ढल इंटरनेशनल लिट्टे चोखा लिट्टे ऐसे लैंडिंग ऐसे होता है, एंडिंग ऐसे होता है। इन्होंने दो बार गाया, जो भी भोजपुरी समाज देख रहे होंगे खास करके ये गाना बहुत ही चर्चित है, चर्चित है मानते हैं। और ये नोट नहीं लगा, मैं बोल रहा हूँ कि नोट के बारे ये नोट आपने नहीं लगाया। ये सुर संग्राम है और यहाँ हम लोग सुर के लिए जो बात बोलेंगे हम लोग संगीत के लिए बोलेंगे। तो मैं नोट की बात कर रहा हूँ ना, एंडिंग नोट नहीं हो सकता है मेरे। देखो हम बतावत नहीं, वो हम सीधा सीधा बतावत, बाकी हम कुछ नहीं जानत, बाकी माननीय दीदी। हाँ पहले तो तू लोग बोलत रह जाता, हमारा समझ में नहीं आवत। पहलस ठीक ना, पहलस पहलस पहले बढ़ा तू, पहलस तो पहले तुम्हें कहीं नहीं खियावत ठीक ना। का है नहीं कहावत, कब बताओ कहो है, कहो है खाली का बतावा तू, पूरा एक लाइन तू बतावा पहले गाइए आप, तू बतावा तू गा के बतावा हमरा के। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा यस, जे खैलस ना पहलस धोखा। हम का कह रहनी तू पहलस कहीं, तोरा पहलस तो पहले कहीं नहीं खियावत। आई गाना ये गाना इतना बढ़िया गई ना, ये गाना जब पूरा यूपी बिहार झारखंड सुनी ना, देखा तो इनकर परफॉर्म और इस सालनी के परफॉर्म, दोनों के परफॉर्म के तारीफ सबसे ज्यादा हुई ये एपिसोड में। हमके वो बात हमने की कहा, इनकर गायकी के बात हम ना कह रहल बानी, इनकर गायक हम नोट के बात हम कह रहल बानी। यदि नोट ना, हम तो ऐसा जना तेरे की पगड़ी बांध के गई ना है तेरे उछाल के तनकी, तो हम जल्दी को जरूर नहीं की धोती पहन के ही भोजपुरी गाल जाला, जींस पहन के ना गावल जाला, आज छोट बाल से भोजपुरी ना गावल जाला, बड़ बाल रखला से भोजपुरी गावल जाला, ऐसा कोनो बात नहीं के। यहाँ सुर के जांच होता, नोट के परख होता, बाकी हम राजस्थान लगल कहनी, बाकी माननीय दीदी कल्पना जी गलत कहला, काहे गलत कहनी। ठीक महादेव शांत हो जा गोपाल भैया। वीरेंद्र जी आप एगो अच्छा परफॉर्मर बानी, प्रस्तुति आपके बहुत बढ़िया लगल, बाकी बहुत बढ़िया, 9 नंबर हम देते हैं। आज एक्चुअली जो थीम रखा गया फेवरेट सिंगर का, उस पर 100% न्याय अगर करने की बात हो, प्यार वो श्रद्धा अगर दिखाने की बात हो हर तरह से, वो तो तुमने ही किया, सिर्फ और सिर्फ तुमने। क्योंकि मैं हैरान थी, एक तो जो जिस स्टाइल में मनोज तिवारी जी बांधते हैं पगड़ी, उसी स्टाइल में बांध के उधर बैठे हो पहले। गायकी की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा गाया आप तो क्या क्या गा के गए हो यहाँ से, इस हिसाब से तो ये बहुत आपके लिए सिंपल सा ही गाना था, मैं तो ऐसे बोलूंगी, मेरे तरफ से तो 20। बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत बढ़िया कल्पना जी से भेटाइल 20 मालनी जी। बिल्कुल मिजाज में एक अलग अंदाज में आज गए, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे गाने सुने हैं कि अपेक्षा कुछ दूसरे गानों की होती है। आज के लिए सिर्फ 18, मालनी जी से 18, गोपाल भैया से 9, 20 कल्पना जी से, कुल टोटल हो गए बनकर 47। जय हो बाबू, जय हो चुकल बा सारा परफॉर्मेंस पूरा, आई डालल जाओ एक नजर स्कोर शीट पर। आज की मंच पर सेफ होके के परंपरा हो जाए समाप्त, काहे कि पूरा भोजपुरिया जहान चाहता कि हर योद्धा कोनो एलिमिनेशन से सेफ ना होई, बल्कि योद्धा के रोज सुनब चाहब। सब लोगन का यह मांग बाटे ता भैया लोग, हिंदुस्तान का आवाम पब्लिक भोजपुरिया समाज ही कहता कि एलिमिनेशन से जो सेफ होके का टास्क रहे न्यायमंडल अब ना होई। अब इन लोगन के हमेशा गाय के पड़ी, यहाँ इन लोगन के हमेशा प्रस्तुति रही। आज के एपिसोड के ऊपर जे बन गल बा आज के एपिसोड के सबसे यादगार पल, आज के मोमेंट ऑफ द डे आपके समक्ष बाटे। न्यायमंडल से पूछल जाएगी कौन योद्धा के परफॉर्मेंस न्यायमंडल के दिल के छू देले सर, वो बन गए परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब के हकदार। आज हम लोग चाह रहे हैं कि गोपाल जी नाम लें। हमरा सबसे नीक लागल हर एंगल से तो नाम बा शालिनी। शालिनी दुबे परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब मिला था, जा शालिनी गुड़िया न्यायमंडल से ले ला।
गोपाल राय जी, आप अपन कीमती समय हमनी के देला, उ खातिर आपके तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम समस्त। एक मिनट रवि जी, सब ठीक है, लेकिन इस पर्ची का क्या हुआ? आई मालनी जी, हम वादा कह लेनी कि हम एकर तैयारी करब, नारी का रूप धारण हम करब। अगले सप्ताह चपले रहा बाबू टीवी रवि किशन, एगो नारी के रूप में, एगो राधा के रूप में आप लोगों को पेश किए जाएंगे। मेरी जान, मजा लेना। खत्म हो चुकल बा पसंदीदा गायक के गीत के चुनौती। तो सुमित फंस गईल बाड़न लाल कुर्सी के काल में। भैया अगला शुक्रवार बा विदाई के रात फिर से जुटी पूरा भोजपुरिया जहान, फिर से मची मंच पर सुर के खमासान। कौन सेना के योद्धा के सुर लगी और कौन से सेना के योद्धा के सुर बहकी और हो जाई एजा से एलिमिनेट, यानी ओकर विदाई हमेशा खातिर। ये अद्भुत मन से यूपी का योद्धा, बिहार का योद्धा, झारखंड का योद्धा, जबरदस्त परफॉर्मेंस और जबरदस्त संघर्ष के साथ अगला हफ्ता फिर होई मुलाकात। विदाई की रात कैसन मची घमासान, का होई परिणाम, जाने और देखे खातिर जरूर देखी हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ सुर संग्राम तृतीय। जय हिंद, जय गंगा मैया, शुभरात्रि। का कहीं भैया रे, कहे के कोनो बात नहीं के बात सा बारा तो बारा तू भाई। अजब बहुत हॉट लग रहे हैं आपके कपड़े, ये दुपट्टा। वो दर्द दिल के बढ़ाने कही आई लेकिन तई में हूँ हर चार दिन खाते बाकी हलता क्या के दर। गाना खत्म हो गया, रवि जी अभी तक आए नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रवि जी अपना रूप धारण कर चुके हों?